सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो लेकर आया मैं शॉर्टकट ट्रिक्स, और ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स है आपके बहुत काम आने वाली है। जितने भी सारे कंपटीशन होते हैं ठीक है, उन सब में मैथ्स का सब्जेक्ट अगर है तो ये आपके बहुत काम आने वाली है, और जो बच्चे मेंटल मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहेगी। ठीक है, इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बिल्कुल एक सेकंड में आप कर सकते हो, और कुछ बच्चे तो एक सेकंड से कम में भी कर पाएंगे अगर उनको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया शॉर्टकट ट्रिक्स का। देखो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको आपको पी बाय क्यू की फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो ये मैं तीन क्वेश्चन पहले आपको बताता हूँ फिर आपको आगे बताऊंगा। ये तीन क्वेश्चन मैंने ले लिए, तो इसका आंसर आ गया 3/9, इसका आंसर आ गया 46/99, इसका आंसर आ गया 430/99। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे आ गया। देखो पहले एक चीज समझ लो, ये बार क्या होता है। इस बार को जब आप हटाओगे तो ये चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद अगर बार है, पॉइंट के बाद अगर बार है तो देखो बार कितने पर है, खाली एक अमाउंट पर है। अगर एक अमाउंट पर है तो 1/9 आएगा, अगर दो अमाउंट पर होगा तो 2/9 आएगा। ठीक है, जैसे एक पर है तो 1/9 आ गया, दो पर है तो 2/9 आ गए, दो पर है तो 2/9 आ गए। ठीक है, अब ऊपर कैसे करना है, ऊपर ऐसे करना है कि इस पूरी अमाउंट को ले लो, तो ये 3 है पूरा, माइनस कर दो जिस पर बार नहीं है, 0, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3/9 आ गया। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 3 1 3 3 9। ठीक है, ऐसे इसका करो 46 माइनस, ये पूरे पे बार है तो ये 0, तो 46/99 आ गया। अगर आपको चेक करना है कि मैंने गलत करा है सही करा है, ठीक है, तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इसको मोबाइल उठाओ, इससे आप फटाफट इसको डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, अब इसको देख लो। अब यहाँ देखोगे कि आप कहोगे ये तो बहुत ईजी है, 3 लिखा, एक पर 12 है तो 9 लिख दिया, 46 है तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर 430 क्यों लिखा है मैंने। इसी चीज़ को देखो, इसलिए मैंने आपको बताया कि माइनस करना है। कैसे, इस पूरे को लिया पहले 434 माइनस ले लिया 4, तो 430 बचा, अपॉन में 99 आ गया ना। ठीक है, समझ में आ गए। ये मैंने आपको क्या बताया, पार्ट ए बताया, इसको मैं पार्ट ए का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब पार्ट बी देखो। पार्ट बी में मैंने क्वेश्चन ले लिया 3.43 पे, खाली 6 पे बार है, खाली कितने पर बार है, 6 पर बार है। अब इसका आंसर आप बताओ, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, देखो ये 3, 4, 6 है तो इसमें से आप क्या करोगे, 34 को माइनस कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 312/90। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पर 90 कैसे आया, अभी आपने सिखाया था कि 346 पहले पूरी अमाउंट लिख देनी है, माइनस कर देना जिस पर बार नहीं है, 34 और अपॉन में 99 आना चाहिए ना, खाली क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, खाली क्या आना चाहिए, 9। आप 90 को लिख रहे हो, आप 90 क्यों लिख रहे हो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस पर बार नहीं होगा उतनी 0 भी लगानी पड़ेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि पॉइंट के बाद वाले को देखना है कितने पर बार नहीं है, ये है शॉर्टकट ट्रिक। तो ये आपका आंसर आ गया। एक मैं क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, मैंने ये क्वेश्चन लिया 4.364 ये ले लिया। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 4364 में से माइनस कर दोगे जिस पर बार नहीं है, यानी कि 43, आपका आंसर जो है वो 4321 अपॉन में 990 आ जाएगा। समझ में आ गया क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि देखो ध्यान से, ये तो आपको पता लग गया कि पूरे में से पहले जिस पर बार नहीं है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर का तो पता लग गया ना सबको, अब नीचे का क्या है, नीचे में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है वैसे। आपको ये देखो कितने पर बार है, दो पर है तो 2/9 लिख दिया। ठीक है, और कितने पर बार नहीं है जो पॉइंट के बाद है उतने आपको क्या लिख देने, 0 लिख देनी है। एक मैं आपको और करवा देता हूं, अब इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर क्या होगा, वही आप पहले पूरा अमाउंट लिखो और जिस पर बार नहीं है उसको आप क्या करो, लेस कर दो, क्या कर दो, लेस कर दो 4359 10 अपॉन में कितने पर बार है, 1 2 3 3 आ गया, और दो पे ये जो है बार नहीं, 9 आ गया।
इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे अपने आप कर सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है, पार्ट ए का मान लेना इसको। अब इसका क्या करोगे, तो वही है, आपको वन में से जीरो घटाने हैं, कितने पर बार है, नौ पर, सॉरी तीन पर, तो 199 ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है, मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दे दी है, आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसे समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको फोर क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको अपने आप कर लेना, कोई भी क्वेश्चन अपने आप उठा के बना लो। ठीक है, रटोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, कुछ भी उठाओ, अपने दिमाग से उठाओ, चाहे जितनी बड़ी अमाउंट लेनी है ले लो, उसके बाद अपने आप को क्रॉस चेक भी आप कर लेना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने पांच क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करना और मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर बताना चाहो तो मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कोई मेरी वीडियो को देख रहा है। और एक बात और मैं कहूँगा कि अगर मुझे सपोर्ट दोगे तो मैं कंटिन्यू करवाऊँगा और आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करूँगा, ऐसे से आपको क्वेश्चन करवा दूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद अगर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं स्पेशली SSC की क्लासेस, इस तरीके के सारे जो मैथ्स हैं वो आपको करवाने लग जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी तो पता लगे ना, हाँ भी कोई देखने वाला, तभी तो मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही लेकर आता रहूँगा वीडियोज़। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है, और अपना ज्ञान बांटता रहूँगा। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मच सके।